लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बेगूसराय के जिला अध्यक्ष निशा कुमारी की अध्यक्षता में लोजपा एवं दलित सेवा के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह धूमधाम से बड़ी पोखर स्थित अम्बेडकर भवन पोखरिया में मनाया गया। जिलाध्यक्ष दासो पासवान ने कहा कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय थे। लोकसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का काम किए। पद्म भूषण रामविलास पासवान जी देश के गरीब दलित शोषितों पीड़ितों के मसीहा कहलाते थे। अपने राजनीतिक जीवन में पूरी ईमानदार नेता थे। उन्होंने देश एवं बिहार के लिए कई ऐतिहासिक काम किए जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। श्री अरविंद पासवान ने कहा कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सरल स्वभाव के थे, उनकी कीर्ति जितना बोले बहुत कम है। जिला अध्यक्ष निशा कुमारी ने कहा कि पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 5 दशक से ज्यादा अपना जीवन समाज के गरीब शोषित एवं वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के तौर पर अहम भूमि विभागों में जिम्मेदारी संभालते हुए जनहित में कई अहम फैसले लिए। पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी लोकसभा सदस्य के तौर पर 9 बार बने रहे, साथ ही 2 बार गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम सबसे अधिक मतों से जीतने वाले सांसद के तौर पर दर्ज किया गया। अपने अंतिम दिनों में राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने एक अमित छाप छोड़ दी। देश निर्माण और भारतीय राजनीतिक में उनके योगदान को देखते हुए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और दलित सेना के संयुक्त आज पासवान जी की जयंती मनाई जा रही है, जिला में और प्रखंड में भी मनाई जा रही है। तो पासवान जी दलित शोषित पीड़ित के नेता और अगुवाई थे। उनका सोच हर वक्त जाति से उठ के किसी भी जाति में इनका मानना था कि शोषित पीड़ित जो भी है उसके लिए हम सदैव खड़ा रहे हैं और काम करते आए थे। पासवान जी के ही दिशा निर्देश और उनके सोच विचारधारा को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक जो भी शोषित पीड़ित हैं उनके लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी काम करेगी। और आगामी आने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दमखम के साथ अपना परिचय देने का काम करेगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है निशा कुमारी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बेगूसराय। जो है ना व्यवहार से कम होता है, दमखम से कम रहने से हम लोग उसको नहीं मानते। आज संख्या मान लिए कि आप कल हमने कई जगह कार्यक्रम है, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है जी, इसलिए अगर हमारा जो है संख्या कम है लेकिन कम वाला नहीं है। हम लोग सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो है पार्टी का है और दलित सेना का टोटल हम पहुंचे हुए। हमारे साथी है निशा जी भी है जो पार्टी का है, हमारे अरविंद जी साथी हैं वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी में, हमारा पार्टी में आएंगे और जुटेंगे। बहुत हमारे राजा राम जी है, गणेश पदार जी भी है जी, इस सब जो टोटल हमारा है एक पार्टी का भी है जो अभी तक दहना भया नहीं। दासो जी, चिराग जी का विरोध आप लोग करते हैं और चिराग जी की जयंती मना रहे हैं। चिराग जी का हम विरोध नहीं करते, चिराग जी का विरोध करते उनका नीतिक विरोध करते हैं, नीति है उनका समाजवादी वाला है, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। कहीं 2024-25 के चुनाव को लेकर के तो नहीं, ये हम नहीं बता सकते, ये हम लोग नहीं बताए, हमारे बताएंगे 5-5 प्रकार 12 जी बताएंगे अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हमारे एक कार्यकर्ता है उनके बाद हम लोग ये गाइडलाइन मिलेगा 5-5 प्रकार 12 जी से, हम लोग उनके आधार पर चलेंगे। आप किधर जाएंगे नहीं जाएंगे किस प्रकार को नहीं ले रहा है वो जानेंगे, हम लोग भी जानेंगे। हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग पुलिस कार्यकर्ता है, 10-20 प्रकार हम लोग रामविलास पासवान जी का हमारे अगुवाई में हम उनके अगुवाई में हम लोग कार्यक्रम किए हैं और उनके साथ बने हैं, इसीलिए अगर हम लोग अभी तक उनका भाई हो बेटा हम लोग के साथ चलाएंगे पार्टी को, गरीब मदद भी कर